रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी पार्टी में अलग धलग ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह का साथ मिला है। मलखान सिंह की माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जरूर कोई पीड़ा होगी, तभी वो अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। सिंधिया जी का मतलब ये है उनको कोई पीड़ा तो होगी, जो अपनी सरकार में अपनी पार्टी के लिए बयानबाजी कर रहा है तो कुछ तो पीड़ा होगी। अब ये तो पीड़ा को दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी समझे कि उनके अंदर क्या पीड़ा है, क्या वजह है जो सिंधिया जी बयान दे रहा है। पहले महाराज साहब ने, पहले तो कभी सिंधिया जी ने बयान नहीं दिया जिंदगी में। जब पार्टी में बड़े बड़े मंत्री रहे, सांसद रहे, दिल्ली में बैठे, तब तो कांग्रेस की बात। अब उनको कुछ लग रहा होगा, या तो उनको पीड़ा होगी या उनको कहीं से कहीं मतलब वो नहीं मिल रहा होगा, तो उसलिए बयान दे रहा है। तो ये तो कमलनाथ जी जाने, दिग्विजय सिंह जाने, सिंधिया जी जाने, वो अपना निर्णय वो ही ले सकते हैं। मैं तो बयानबाजी सुनते रहते, पेपर में पढ़ते हैं, अगले मुझे जिससे लेना देना नहीं है। जिसको पीड़ा होती है तो बयानबाजी करता है। हमें लग रहा है कि सिंधिया जी को बहुत बड़ी पीड़ा है और सिंधिया जी को बहुत बड़ा घात पहुंचा होगा, इसलिए सिंधिया जी अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मलखान सिंह यही नहीं रुके, सिंधिया की बातों का समर्थन करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह और सीएम कमलनाथ को नसीहत दे दी। पत्र में 2 लाख की बात थी किसानों की और 50,000 की नहीं थी, तो वो मुद्दा उठा रहा है, वो सिंधिया जी गलत नहीं उठा रहे। वो तो उनके सामने ही वायदा, राहुल गांधी ने वायदा किया और कमलनाथ जी ने वायदा किया, सरकार बनाने में सिंधिया जी का पूरा योगदान रहा। सरकार ढंग से चलाएं, मिलके तीनों जने सरकार चलाएं, तो ये जनता का भला होगा। और ये अगर सरकार में ये विघ्न होगा तो सरकार टूट जाएगी और इनसे कुछ होने वाला नहीं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मलखान सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी राय रखी थी और साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के विदेश नीति की भी जमकर तारीफ की थी। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।